नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उजियारपुर थाना क्षेत्र के चांद चौर मध्य पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के पास एनएच 28 पर हुई भीषण सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई तथा दो अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही उजियारपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में जुट गई है। मृतक की पहचान बेगूसराय जिला के कादिराबाद वार्ड 12 निवासी लाल बाबू चौरसिया के 23 वर्षीय पुत्र कारूलाल चौरसिया के रूप में की गई है। वहीं घायल लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं इस सड़क हादसे के बाद एनएच 28 के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों का बताना है कि दोपहर करीब 2 बजे सातनपुर की तरफ से पिकअप 4 पहिया वाहन आकर दलसिंह सराय की ओर जा रही थी तथा स्प्लेंडर बाइक पर 2 की संख्या में सवार युवक दलसिंह सराय की ओर से आकर सातनपुर की ओर जा रहा था। अभी बाइक सवार युवक चांद चौर मध्य पंचायत स्थित मध्य विद्यालय के पास पहुंचा ही था कि सामने से तेज गति आ रही पिकअप ने उसे आमने सामने की ठोक कर मार दी। वहीं पिकअप के पीछे पीछे चल रही जुगाड़ ठेला भी पिकअप व बाइक के बीच हुई टक्कर के बाद खुद को बचाने के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई तथा जुगाड़ ठेला चालक तथा बाइक के पिछले सीट पर बैठा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद पिकअप चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम ही था। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जानकारी है कि यह लड़का संभवतः समस्तीपुर के तरफ से आ रहा था और उधर से पिकअप गाड़ी आ रही थी, एसी दोनों में टक्कर हुआ और यह लड़का स्पॉट हो गया। लड़का का घर उसके आधार कार्ड से पता चला है कि लड़का का घर पचबारा कादराबाद है, बेगूसराय जिला में पड़ता है। कितने बजे की घटना है? लगभग 1:30 बजे के बाद। 1 घंटा पहले की?